देखो भाई, 100 पते की एक बात, बॉलीवुड से ज्यादा बेहतरीन रोमांस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बॉलीवुड में हर एक बात पे रोमांस आता है, चाहे वो हॉरर स्टोरी हो वहां पे रोमांस होता है, चाहे वो थ्रिलर स्टोरी हो वहां पे रोमांस होता है, और ऑफ कोर्स रोमांटिक मूवी तो होती ही होती है। तभी तो रोमांस के देवता यानी कि शाहरुख खान कहे जाते हैं, और शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस के नाम से परिचित किया जाता है। दुनिया भर में उनके ही डंका बजता है। लेकिन अब बादशाह के इस टाइटल पर दोस्तों साउथ की नजर है। कैसे? क्योंकि सीताराम के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लगा। स्वागत है चैनल दिल्ली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि बॉलीवुड से बेहतरीन हमने बहुत मतलब रोमांटिक फील्ड में स्पेशली अगर बात करें बहुत कम ऐसी फिल्में देखी जो कि हमारे दिल को छूती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे साउथ जो कि हर एक फील्ड में पेनिट्रेट कर रहा है, तो ऐसे में अब बारी है रोमांस की। कोशिश करी थी मेकर्स ने एक ऐसी राधे श्याम बनाने की जो कि फुल ऑन रोमांटिक होगी, और प्रभास भाई को ले लिया था, एकदम अलग सा रोमांस देखने को मिला था, हाई एल्टीट्यूड रोमांस कह सकते हैं आप, बिग बजट रोमांस, लेकिन वो सब फुस हो गया। लेकिन अभी जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ वो है सीताराम, जो कि दुलकर सलमान और साथ ही साथ मृणाल ठाकुर की फिल्म है। हाँ, इसमें रश्मिका मंदाना बलम सामी वाली भी हमें नजर आ रही है। वैसे आपको बता दूं तो ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लिटरली बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है साउथ में। लेकिन फाइनली अब इसे पैन इंडिया में लेकर आ रहे हैं जयंतीलाल गाढ़ा, और इस फिल्म को पैन पिक्चर्स लेकर आ रहा है हिंदी में। और सबसे अच्छी बात है कि इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है साउथ में, जिसकी वजह से इसका जो एक मास अपील है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके ट्रेलर को देखने के बाद कह सकता हूं कि रोमांस के मामले में भी साउथ धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है। बॉलीवुड वालों प्लीज कुछ करके अपनी कुर्सी बचा लो, एटलीस्ट किसी में तो नाक बचा लो अपनी। साउथ की फिल्में आप देख लीजिए, एक्शन में जबरदस्त वो हो रहे हैं, स्टोरी टेलिंग में जबरदस्त हो रहे हैं, पेट्रियोटिक फिल्म्स में वो जबरदस्त हो रहे हैं, वीएफएक्स में वो जबरदस्त हो रहे हैं। तो भाई हमारा क्या क्या होगा, बॉलीवुड का पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी अगर आप लोग देखेंगे तो मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान की रियलिस्टिक एक्टिंग हमें इतनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है कि ये पूरे टीजर को ट्रेलर को कह सकते हैं देखकर दिल खुश हो गया, और फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। और दिल से मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म हिट होगी, क्योंकि साउथ में बहुत अच्छी चली है ये, और जब इसका हिंदी वर्जन आएगा तो बवाल करेगा ही करेगा। आपको क्या है कहना, आपको कैसी लगी इसकी पूरी सेटिंग, ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताएं, और साथ ही साथ बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें दिल्ली खजाना।